सब्जेक्ट है EE307 पावर सिस्टम, सेकंड यूनिट है सेकंड मटेरियल यूज फॉर ओवरहेड लाइन, टॉपिक है स्ट्रिंग एफिशिएंसी एंड मेथड टू इम्प्रूव इट। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे और कैसे हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं उनके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर जो है जिसमें मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंसुलेटर, उस टॉपिक में मैंने ये बताया था कि जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंसुलेटर की स्ट्रिंग पे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग, मैंने बता दी है फिर भी बता देती हूँ। स्ट्रिंग क्या होती है, एक लड़ी होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ इंसुलेटर्स कनेक्टेड होते हैं जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, और उसके अक्रॉस जो वोल्टता का मान होता है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, इक्वल नहीं रहता है, वो अन यूनिफॉर्म होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे अधिक होता है। ठीक है, तो जो डिक्स होती है जो कंडक्टर के करीब होती है उस पे जो वोल्टता का मान होता है वो अधिक होता है, बट जैसे जैसे हम क्रॉस आर्म की तरफ जाते हैं वहाँ पे जाते जाते वोल्टता का मान और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस का मान कम होता जाता है। ठीक है, और कंडक्टर के करीब वाली जो इंसुलेटर और कंडक्टर जो होता है वो पंचर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो डिस्क में पंचर सक्सेसिवली। ठीक है, देयरफॉर द अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज अनडिजायरेबल, इस वजह से जो पंचर होने के चांसेस बढ़ते हैं इस वजह से जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल होना चाहिए, अनइक्वल होने की वजह से अनडिजायरेबल होता है। ठीक है, यूजली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो जिसके कारण ये अनइक्वल वोल्टता रहती है, ठीक है, अनडिजायरेबल होता है, तो इसे हम एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी से। ठीक है, अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है, एक रेशियो होता है वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग। ठीक है, जो स्ट्रिंग जिस पे नंबर ऑफ इंसुलेटर लगे हैं उस पे जो टोटल वोल्टता का मान है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्क, टोटल वोल्टेज इंटू नंबर ऑफ डिस्क एंड रेशियो किसका है, डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। ठीक है, नोन एज स्ट्रिंग एफिशिएंसी। जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला यहाँ बताया, स्ट्रिंग एफिशिएंसी टोटल वोल्टेज वी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। जो लास्ट एग्जांपल लिया था उसमें मैंने 3 डिस्क लगाई थी, जो पास वाला जो कंडक्टर के पास वाला जो इंसुलेटर था उसके अक्रॉस जो वोल्टता का मान था वो V3 था। ठीक है, तो ग्रेटर द स्ट्रिंग एफिशिएंसी मोर यूनिफॉर्म इज वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। एफिशिएंसी का मान अगर अधिक होगा तो अधिक वोल्टेज जो है यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी को 100% कब होगी, जब वोल्टेज अक्रॉस डिस्क जो है एग्जैक्टली सेम है, जैसे V1 भी 2 ओम है, V2 भी 2 ओम है और V3 का मान भी 2 वोल्ट है, सॉरी। ठीक है, वोल्टता का मान अगर सबके अक्रॉस जो है जैसे मान बोला मोर यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टता है V1 = 2 वोल्ट, V2 = 2 वोल्ट, V3 = 2 वोल्ट अगर सेम है तब तो 100% एफिशिएंसी मिलेगी स्ट्रिंग एफिशिएंसी। बट अगर ऐसा नहीं है, अनइक्वल है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 3 है, तो इससे क्या है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है पुअर हो जाएगी। बट ये आइडियली पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो कि वोल्टता का मान भी समान हो और 100% एफिशिएंसी मिले। ठीक है, बस ये किस केस में हो सकता है, डीसी वोल्टेज में, क्योंकि वहाँ पे जो होता है कैपेसिटेंस जो है वो इनइफेक्टिव होता है डीसी के केस में। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट विल बी द सेम रहेगा, दिस इज़ वाई स्ट्रिंग एफिशिएंसी फॉर डीसी सिस्टम इज़ 100%। किस केस में पॉसिबल है, ये सिर्फ डीसी के केस में, क्योंकि उसमें कैपेसिटेंस जो होता है वो इनइफेक्टिव होता है, कंसिडर नहीं होता है और वोल्टता का मान समान रहता है। बट एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इन इक्वालिटी ऑफ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिस्क, जैसे जैसे डिस्क के अंदर नंबर ऑफ इंसुलेटर और डिस्क जो है बढ़ती चली जाएगी लड़ी के अंदर, वैसे वैसे वोल्टता का मान असमान होता जाएगा। देयरफॉर हम जितनी छोटी स्ट्रिंग लेंगे उतना ज़्यादा ना स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होगा अच्छी होगा। ठीक है, अब कैसे हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके 3 मेथड है, यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, यूजिंग गार्ड रिंग और यूजिंग गार्डिंग ऑफ ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर डिस्क। पहला है
यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, जो क्रॉस आर्म होता है जिसपे हम डिस्क कनेक्ट करते हैं, मेटल लिंक्स कनेक्ट करते हैं वो, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ऊपर बता दिया है मैंने, तो एफिशिएंसी दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ के। के क्या है, मैंने उस लास्ट लेक्चर में बताया था कि म्यूचुअल कैपेसिटेंस और एक शंट कैपेसिटेंस होते हैं। तो जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस होता है वो सी होता है, और शंट कैपेसिटेंस सी वन होता है जो कि फ्रैक्शन ऑफ म्यूचुअल कैपेसिटेंस होता है, और के यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है, म्यूचुअल कैपेसिटेंस के सी वन लिखते थे, ठीक है। जैसे के का मान कम होगा स्ट्रिंग की एफिशिएंसी सही होगी, और के का मान अगर जीरो हो गया तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। तो के का मान को हम डिक्रीज करके, इट मीन्स शंट कैपेसिटेंस के मान को कम करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस जो है इंसुलेटर रिंग्स के बीच में उसे बढ़ा के लॉन्गर क्रॉस आर्म का प्रयोग कर सकते हैं। हाउएवर द देर इज़ अ लिमिट इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म ड्यू टू द इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ठीक है। क्रॉस आर्म की लेंथ को हम लिमिट करके इकोनॉमिक पर्पस से इसे कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर डिस्क, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, जो वोल्टेज अक्रॉस डिस्क होता है उसे इक्वलाइट करते हैं विथ यूजिंग डिस्क विथ डिफरेंट कैपेसिटेंस, अलग अलग कैपेसिटेंस को यूज़ करके वोल्टता का मान कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। फॉर इक्वलाइजिंग द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन द टॉप यूनिट ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी हैव मिनिमम कैपेसिटेंस, जो सबसे करीब जो क्रॉस आर्म के करीब वाला जो डिस्क है उसके करीब अक्रॉस जो वोल्टता का मान है उसे कम रखते हैं, और जैसे जैसे हम कंडक्टर की तरफ बढ़ते जाते हैं कैपेसिटेंस का मान बढ़ा देते हैं, जिससे क्या है इंसुलेटर जो है अलग अलग डायमेंशंस के अलग अलग साइज़ के लगे रहते हैं स्ट्रिंग के अक्रॉस, ठीक है। तो उनकी कैपेसिटेंस का मान भी अलग अलग रहता है, और इस अरेंजमेंट की सहायता से हम कैपेसिटेंस को बढ़ा के टूवर्ड्स द बॉटम मतलब कंडक्टर की तरफ जाते जाते बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्रॉस द डिस्क जो है इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट है वो है बाय यूजिंग गार्ड रिंग, ठीक है। गार्ड रिंग के अंदर क्या होता है, ग्रेडिंग रिंग, इसको गार्ड रिंग भी बोल सकते हैं और ग्रेडिंग रिंग भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मेटल रिंग या फिर गार्ड रिंग जो होती है उसे हम लगा देते हैं किस कहाँ पे, कनेक्टेड टू द कंडक्टर सराउंडिंग द बॉटम यूनिट ऑफ स्ट्रिंग इंसुलेटर, जो कंडक्टर के करीब वाली जो मेटल लिंक होती है उससे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो मेटल लिंक जो है इंट्रोड्यूस द कैपेसिटेंस बिटवीन मेटल लिंक्स एंड लाइन कंडक्टर। अब इससे क्या होता है, गार्ड रिंग लगाने से मेटल लिंक्स और वो लाइन कंडक्टर के बीच में कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाता है विच टेंड्स टू कैंसल आउट द शंट कैपेसिटेंस, ठीक है। क्योंकि शंट कैपेसिटेंस क्या होता है, मेटल लिंक्स और किसके बीच में लगा हुआ होता है, कंडक्टर के ग्राउंड वायर के बीच में, और ये भी आ जाता है, तो ये दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे कैपेसिटेंस। एज अ रिजल्ट देर सम चार्जिंग करंट फ्लो थ्रू द ईच डिस्क, दोनों डिस्क के अंदर जो है चार्जिंग करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। चार्जिंग करंट क्या है, कैपेसिटिव करंट जिसको हम बोलते हैं, जो कि जिससे क्या होता है एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव हो जाएगी। तो हम इस तरीके से गार्ड रिंग का यूज़ करके है ना, जिसको हम करोना रिंग की तरह भी बोल सकते हैं, बट द एंड सर्कल द इंसुलेटर रेदर देन द कंडक्टर। थैंक यू।